मजे में ही होंगे और आप देख रहे हैं पीवी सर व्लॉग्स मेरे यानी पवन के साथ। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के बज रहे हैं अभी 6:45, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं बहुत ही लंबे सफ़र में, मतलब बहुत ही लंबा, मोर देन 5000 किलोमीटर, इतना लंबा सफ़र है। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको आपने देख ही लिया होगा और इसमें हेडिंग में हम जा रहे हैं भूटान। तो अभी हम हैं दिल्ली में, दिल्ली टू भूटान जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी से। पूरा रोड ट्रिप होने वाला है, मज़ा आने वाला है, देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं रास्ते में, दिल्ली से निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, मैं अभी दिखाता हूं। तो अभी बस सफ़र की शुरुआत हुई है, 40 किलोमीटर चले हैं, एक्सप्रेसवे में पहुंच चुके हैं। भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, कोहरा अभी तो कुछ भी नहीं है और ओवरऑल मतलब हल्का ठंडा मौसम है, तो मैंने एक पतला सा विंड चीटर पहन लिया है, मज़ा तो आ रहा है अभी तक। तो अभी का आज हम जाएंगे लखनऊ, लखनऊ में स्टे करेंगे, और लखनऊ में स्टे करने का है कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, एक दिन में हम 500-600 किलोमीटर ही चलेंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, मतलब नाश्ता करने का तो टाइम हो ही गया ऑलरेडी, इस टाइम तो नाश्ता वगैरह कर ही लेते हैं 7:30 बजे। तो आगे देखते हैं नाश्ता वगैरह का देख लेंगे, अभी तो बस स्टार्ट हुआ, तो आगे कहीं जाके नाश्ता का मिलेगा तो वहाँ पे रुकेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, क्या क्या है सब आपको दिखाते हैं उस टाइम पर। हाँ जी, तो अभी रुक गए हैं चाय वाय के लिए, थोड़ी सी चाय वाय पियेंगे, मतलब भाई तनु को चाय पीनी है, मैं तो भाई उसका मुँह देखूँगा बैठ के, कुछ खाना होगा तो खा लेंगे। तो कॉफी पी लेना। कॉफी पी लूंगा, नहीं यार अभी नहीं, कुछ मेरे मुंह क्यों मुंह देखोगे, नहीं मुंह ही देख लूंगा। देखते हैं, अभी हम मथुरा टोल प्लाजा पर रुके, वृंदावन यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है मात्र, तो वीकेंड कटे हुए वृंदावन भी बहुत अच्छा है, बट हमारा सफर बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है, जाएंगे देखेंगे कैसा कैसा होएगा, और फिलहाल तो चाय वाय पीते, और तो कुछ ऐसा सीन है, देखो सुबह के बज रहे हैं अभी 8:15 और आसपास लोग काफ़ी हैं, तो ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी रिल है यहाँ पे। हम रुके हैं इधर, कुछ नाम सा तो नहीं लिखा हुआ है, स्प्रिंगो समथिंग है, स्प्रिंगो फूड्स। तो चाय वाय ले लिया, मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। तो यहाँ की जो चाय है बहुत ही छोटी चाय है, एक से हुआ नहीं इनका काम कुछ, तो ये ले रहे हैं दूसरी चाय। हाँ, ये हो रहा है हमला, मधुमक्खियों का हमला हो चुका है मैडम पर, तनु पर। मत कर मत कर, वो और आएगी फिर। तो भाई हम जा रहे हैं इससे, ये अपनी गाड़ी है, इस बार SUV से नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था पहले, फिर उसके बाद हमने उसे रखा हुआ है ठीक ठाक करके, तो इससे जा रहे हैं। गाड़ी का एवरेज वगैरह भी ज़्यादा ही आता है भाई। कैसा लग रहा है, आप देख रहे हो कि हम चल चुके हैं वापस, चाय वाय तो हो गई थी वहाँ पे और हम चल रहे आगे। तो अभी भी अब तक हम चले हैं 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में हमने पहला स्टॉपेज लिया था क्योंकि भाई तनु को पीनी थी चाय और मुझे उसका मुंह देखना था, चाय वो पीनी थी क्योंकि, तो मैंने कुछ नहीं लिया है, चाय पी के छोटा सा ब्रेक था, बस 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर से हम अपने रास्ते पर हैं। तो अब रास्ता देखो, सामने बिल्कुल एकदम ही खाली सड़क है,
कुछ नहीं करना, आपको बस एक्सीलेटर पे पांव दे के रखना है और चलते रहना है। बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है यहीं से हमें लेफ्ट टर्न देखना, आप देख लो रोड में भी है, मैप हमने लगा रखा है। अभी हमारे बचे हैं 325 किलोमीटर, तो 4-4.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो, मतलब आराम से पहुंच जाएंगे। अभी 9:30 हो रहे हैं तो 1-1.5-2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और आज का सफ़र हम अपना यहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो भाई एग्ज़िट आ गया ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, सीधे चले जाएंगे तो आगरा और यहाँ चले जाएंगे तो लखनऊ। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। हाँ जी, आ रहा मज़ा बहुत भाई, भगा रखी है गाड़ी इसने। भगा रखी है, 100 की स्पीड लिमिट है, मैं बता दूँ इसमें, और मैं 100 के ऊपर एक बार भी नहीं गई हूँ। एक बंदे का मैंने चलान करते हुए देखा 130-130 की स्पीड में जा रहा था भाई, मज़ा आ रहा है मुझे तो। हाँ, इस एक्सप्रेस वे पर ना ट्रैफिक भी बहुत ही कम है। हमने कोई एक यूट्यूब वीडियो में देखा था जिसमें बोल रहा था कि भाई इसमें परिंदा भी पारने मारता है, लिटरली मतलब बहुत दूर दूर तक हमें खाली देख रहा है। नहीं, वैसे इतना भी नहीं खाली है, हाँ वीडियो में बताया गया था, है गाड़ियां हैं पर हाथ कम है। देखो भाई बच्चे गाड़ी में क्या क्या फेंक रहा है सामान, और टिक्की भी पूरी फुल है। लास्ट स्टॉपेज है जो मतलब लखनऊ से पहले है ये एक्सप्रेस वे पर, ठीक है। तो खाने के लिए रुके, देखो क्या क्या खा रहे हैं। ये हमने ली है थाली, 105 रुपए की थाली है ये। ये है आलू मटर, येलो दाल, अचार, सैलड, राइस एंड 2 तंदूरी रोटी। देखने में तो अच्छी लग रही है, सिंपल खाना है। हम लोग यही था कि हम लोग बजट ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल दिखाएंगे कि जो कोई भी जाके खा सकता है जैसे। तो अब खा के हम आपको रिव्यू वगैरह दे देते हैं कैसा है। जी, तो खाना खा के हम लोग तो निकल चुके हैं, तो खाने का मैंने बोला था रिव्यू बताता हूँ। तो रिव्यू ऐसा है कि डिसेंट खाना था, कुछ तो ज़्यादा मतलब बिल्कुल सिंपल खाना, बिल्कुल सिंपल खाना था। और एक्चुअली मैंने ट्रिप में ऐसा ही खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब सिंपल से सिंपल खाना खाओ, हेल्दी भी रहता है, ट्रैवल वगैरह करनी है भाई। हाँ, तो ट्रैवल वगैरह में तो ऐसा खाना ठीक रहता है, थोड़ा ध्यान, बिल्कुल सिंपल खाना था। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि भाई मुझे ये भी चटपटा खाना है, ये वो, तो वैसा नहीं था, सिंपल खाना था। सो वॉज इट वर्थ 105 रुपीज, यानी 105 रुपये वर्थ था, बिल्कुल था। टेस्ट वाइज भी सिंपल खाना, नॉर्मल जैसा हम घर में खाते हैं, प्लेन चावल थे और दाल भी बिल्कुल सिंपल सी। अरे ये क्या बोल, अब तो हम गंगा जी को बात करेंगे। गंगा जी को, हाँ देखो गंगा जी आ रही है। तो यार यहाँ पे तो उड़ाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। हाँ, ड्रोन उड़ाना पड़ेगा यार। एग्जैक्टली, ड्रोन तो उड़ाना पड़ेगा। अभी तो रुके थे, फिर रुकना पड़ेगा, पर उड़ाना भी पड़ेगा। तो चलो भाई देखते हैं अच्छा सा स्पॉट जहाँ से गंगा जी के दर्शन भी हो जाए। हाँ। और लोगों को भी दर्शन करा दें। कितना आगे, थोड़ा सा आगे है ना बस, बिल्कुल ये यहीं पे, बस ये देखो सामने अब ब्रिज दिख रहा है ना। I'm
आप? घूमने तो जाएंगे यार, जाएंगे या नहीं जाएंगे का क्या मतलब? जाना ही है ऑब्वियसली यार, लखनऊ आए हैं हम, मुझे चिकनकारी कुर्ता लेना है वहाँ से। अच्छा, और नहीं तो चलो भाई चिकनकारी है। चिकनकारी ये नॉन वेज वेजिटेरियन वाला चिकन नहीं होता, ये कढ़ाई बुनाई वाला चिकन होता है। कढ़ाई मतलब कढ़ाई चिकन नहीं, कढ़ाई जो सिलते हैं ना वो वाली सिलाई, सिलाई बुनाई वाला वो वाली कढ़ाई है। बहुत नॉलेज है इस लड़के को, शाबाश। कढ़ाई चिकन नहीं बोलना कोई इसे, ये चिकनकारी है, कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड है, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ भाई, हम पिछले 2-3 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं यमुना आगरा एक्सप्रेसवे पे, बहुत ही उम्दा सड़क है, 183 किलोमीटर चुके क्या हुआ तो 183 किलोमीटर हो चुके हैं और आराम से स्पीड लिमिट के आसपास ही चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं भगा रहे हैं। वो बर्फ क्या बोलूँ भाई, एकदम ही कुछ है ही नहीं सड़क में, बस आप एक्सीलेटर दबा के रखो चलते रहो, कुछ नहीं आ रहा भाई, ना कहीं पे एग्जिट है ना एंट्री है, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है अपना चल रहा है, मतलब बहुत ही कम ट्रैफिक है। अब देखो सड़क, देखो देख रहे हो सड़क, कुछ नहीं है, ऐसी सड़क है पूरे रास्ते, ऐसी सड़क है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग ये वाला ना। हाँ बोरिंग रोड है, मतलब अगर हम बाइक वाइक से आओ 200-300 की स्पीड से चलाओ तब तो मजा आएगा, पर अदरवाइज तो भाई मतलब अभी हम जैसे गाड़ी में हैं तो बैठे हुए हैं चल रहे हैं और गर्म भी हो रहा है, इनफैक्ट नवंबर शुरू होने वाला है और अभी भी गर्मी है, एसी चला लिया हमने सुबह, आपने देखा होगा हमने जैकेट वैकेट पहने हुए थे और अभी हमने एसी चल रहा तो है। रोड बढ़िया है, मजा आ रहा है, मक्खन रोड है एकदम, और मक्खन में कुछ नहीं करना हमने, बस फिसलते हुए जाना है, फिसलते हुए पहुंचेंगे, कुछ है ही नहीं एंटरटेनमेंट रोड पे कि भाई दुनिया देखो वादियां देखो थोड़ा अच्छे से सीनरी आ रही है, वैसा कुछ नहीं है, आपको बस सड़क देखनी है। बस एक बार रुके हैं फ्यूल टैंक कराने के लिए। हाँ तो एक चीज का खास ध्यान रखें, फ्यूल यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे में दो ही जगह डलता है, एक शायद से किलोमीटर 107 पे और कुछ दूसरा 200-250 के आसपास में, तब एक है, तो दो ही जगह फ्यूल और खाने पीने वगैरह का एमिनिटीज है, बाकी सब आपको उससे पहले कर लो या उसके बाद कर लो। चलो हम कंटिन्यू करते अपनी बोरिंग जर्नी, तब तक जो कुछ है भाई एंटरटेनमेंट एक दूसरे का हम यहाँ खुद ही कर रहे हैं। चलो बाय बाय। फाइनली पता नहीं कितने 100 घंटों के बाद एक्सप्रेसवे से एग्जिट करने का मौका मिल रहा है भाई, इतना बोरिंग एक्सप्रेसवे, इतना बोरिंग, मतलब गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि भयंकर नींद आने लग जाए, इतना गजब था। तो यहाँ से सीधे चला गया तो कोई मोहान नाम की जगह है, वहाँ जा रहे हैं और लेफ्ट एग्जिट ले लिया हमने, तो ये है लखनऊ के लिए फाइनली है। शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। अब नवाब तो रहे नहीं पर नवाबी लोगों की अभी भी चल रही है यहाँ पर भाई, गजब भी चल रहे हैं, ट्रैफिक में भयंकर मजा आ रहा है, पहले कोई बोर में ना उतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा कोई वहां से निकल रहा है, ऐसे कभी इधर कभी उधर, गजब ही सीन चल रहा है। तो हमारी स्पीड बिल्कुल आधी हो गई, हमने बोला भाई आराम से चल लो, पता चले बिना बात के कोई चिपक जाए उसका तो नुकसान क्या ही होगा, अपना ही नुकसान होगा, इसलिए आराम से चल रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, वह पहुंचने वाले हैं जहां हमारा होटल है, बताएंगे उसका भी व्यू कराएंगे, थोड़ा सा रिव्यू भी देंगे क्योंकि कई लोगों के काम आएगा वो, इस टाइप का है कुछ सीन हमारा एकोमोडेशन का आज। तो
तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस। ये है CPWD का गेस्ट हाउस जो हमने सरकारी लोगों वाला बुक करा था, और मतलब आप देख ही सकते हैं एकदम अच्छा बड़ा कमरा है। मैं दिखा देता हूँ अभी, पूरा टूर करा दूँगा इसका। तो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, एक किसी कॉलोनी टाइप में है, तो आराम से मतलब हम लोग पहुँच गए थे, कोई इतना वो नहीं हुआ था। लखनऊ से बार बार ये आ गए और पहुँच गए अंदर हम। जैसा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अच्छा डिसेंट बना रखा है काफ़ी, मुझे तो अच्छा लगा कंपेयर टू अदर्स। मैं और भी काफ़ी उसमें जा रखा हूँ तो उनके मुकाबले ये बढ़िया लगा मुझे। और तो कुछ है ऊपर तक है, तो ये है हमारा, ठीक है। तो मुझे तो डिसेंट से लगा है, देखते हैं अंदर का। आए हो, पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, बट ये अच्छा बड़ा साइज का कमरा है, फेयरली बिग। पूरा बड़ा कमरा है और इवन बाहर बालकनी भी है, जो कि यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया का, रेजिडेंशियल एरिया में है ये। इसका मैं दिखा देता हूँ, सामने टाइप 4 के क्वार्टर्स है। तो ये बालकनी है और यहाँ पे है क्वार्टर्स, देखो तो ऐसा बढ़िया एकदम। तो भाई फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इतना बोरिंग हाईवे था कि बाइक और नींद आ गई, और अब सही में इतनी गजब नींद आ रही है ना कि बस सो जाओ, कुछ नहीं करना, सो जाओ बस। खाने का हमने खा लिया था, आपने देख लिया, अब सो रहे हैं, रात को उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे। और ये व्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि अभी एडिट करके आज ही डाल दूँ, ताकि रियल टाइम में सबको मेरी प्रोग्रेस का पता चलता रहे। और मैडम बोल रही है, तन्नू बोल रही है कि अब जो भी करना है आज करो, फिर कल से नई शुरुआत होनी है, नए उसमें जाएंगे, नए सफ़र में कल जाना है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, दरभंगा। अब दरभंगा क्या है कि भाई बिहार में है, बिहार में पहली बार जा रहा हूँ, इनफैक्ट उसके आगे बंगाल जाएंगे, वो भी पहली बार जाऊंगा, तो भाई पता ही नहीं है कि आज तक कि हम उतने वहाँ तक हम में से कोई भी नहीं गया। तो नया सफ़र होने वाला है कल, एक नई शुरुआत के साथ लेके चलेंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, ये वाला व्लॉग आप आज ही देखिए, ठीक है। मज़ा बहुत आने वाला है पूरे ट्रिप में, 20-25 दिन का ट्रिप होने वाला है, गजब मज़ा आने वाला है। ऐसी ऐसी जगह कवर करेंगे कि बहुत कम लोगों ने कवर करी होंगी, तो देखते हैं क्या होने वाला है। टिल देन Keep watching PVSR vlogs. Bye-bye.